तो गाइस बाबू उठते के साथ खुश हो गया ट्रेन देख के। देखो हमारे पीछे ट्रेन है, क्या है बेटा? ट्रेन। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। और अभी हम लोग एकदम बड़ी सुबह उठ गए हैं गाइस, 5 बजे लगभग, क्योंकि अपनी ट्रेन है 6:30 बजे आसपास। तो फिर हम लोग अभी उठ गए हैं, बच्चे लोग उठा दिए हैं, बाबू उठा नहीं है, बाबू अभी सो ही रहा है मेरी गोदी में, तो फिर इसको भी उठाएंगे अभी। थोड़ा सा पैकिंग वैकिंग बच गया था, वो चल रहा है। इस पैकिंग वैकिंग जारी है अपना, हो गया ना, कुछ छूटा नहीं है ना। अपने हिसाब से ज्यादा तो नहीं लाए थे, एक ही बैग लाए थे। तो गाइस फाइनली हम लोग पहुंच गए अभी रेलवे स्टेशन, चलते हैं अभी अंदर। तो गाइस बाबू उठते के साथ खुश हो गया ट्रेन देख के। देखो हमारे पीछे ट्रेन है, क्या है बेटा? ट्रेन है, ट्रेन। ओ दे पापा। गाइस ट्रेन का है बाबू, ये ट्रेन गाइस, हमारा ट्रेन आ गया है। हमने सीट पे घूमिए हैं लेकिन बहुत गर्मी लग रही है अंदर, तो हम लोग अभी बाहर खड़े हैं। अभी अगर इस ट्रेन में जाने वाले हैं ना बाबू, मजा आएगा। हाँ बाबू का फेवरेट ट्रेन है गाइस, ट्रेन ट्रेन। अपने अकेले अकेले के लिए मेरे लिए भी तो चाय लाना था। ये क्या है? कॉफी तो अच्छा नहीं लगता है, ढूंढ के लाना था ना जी हमारे लिए भी। गोल गोल घूम रहे, उधर उधर भाग रहे हैं, अकेले पी रहे हैं। अरे सीट को छोड़ के क्यों आई है? बाहर निकले बेटा, गर्मी लग रहा था, तो अभी टाइम है ना ट्रेन के लिए। फाइनली गाइस मेरे लिए भी चाय मिल गया, और ये बाबू के साथ अपन अभी पी रहे हैं चाय। क्या लेनी थी? दिखाओ कितना ली। आप क्या लेने का सोच रहे हो? मैं टुकुर टुकुर देख रहे हैं। मछली पकड़ने जाएगा। देखिए गाइस यहाँ का लोकेशन मस्त लग रहा है, और मुझे नहीं पता ये हम कहाँ पहुँचे हैं। ये रहे बाबू और पापा भी व्यू का आनंद लेते हुए। क्या देख रहे हैं बाबू? मच्छी देख रहे हैं, और नीति सो रही है इधर। तो मैंने आजू बाजू से पता करा गाइस, ये वाला लोकेशन ना उड़ीसा का है, राजपुर आसपास का है, और बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत लंबा तक है ये वाला लोकेशन। तो अगर कोई उड़ीसा से देख रहे हैं तो ज़रूर कमेंट करके बताएं कि हम इस जगह में गए हैं करके। पहुँच चुके हैं गाइस हम लोग जगदलपुर, जगदलपुर। ये रहा गाइस बाबू, पहुँचे बेटा। हाँ मैं तो भूत बन गई बाबू। चलो तो गाइस अभी हम लोग बस में फिर जाना है, बस का सफ़र 3-4 घंटा और लगेगा हम लोग को। हम लोग ना सुबह विशाखापट्टनम में 7 बजे बैठे थे ट्रेन, और देखिए 4:15 बजे पहुंच गए जगदलपुर। अब यहां से निकलते हैं, और कितना बजे पहुंचेंगे मैं जानकारी दे दूंगी। भाई सफ़र, ये देखो नीति तो पूरा भूतनू हो गया है। इधर हमारी बस लग गई है ये वाली, चलो। सो हाय गाइस,
तो हम लोग ना कल लेट नाइट पहुंचे हुए थे, तो मैंने ब्लॉग कंटिन्यू नहीं किया। 9 बज गया था हमारे आते आते, और अच्छे से ही पहुंचे गाइस। थके हारे सफ़र करना है तो थकना है ही। तो गाइस देख सकते हैं थकान अभी भी चेहरे में है ही। आज दिन भर और आराम करना पड़ेगा। पूरा बैग सैग को ला कर कैसे हम लोग पूरा भी तो कर दिए हैं, पूरा साफ सफाई करना पड़ेगा। और क्या बताऊं गाइस, मेरे पिछले जितना भी विशाखापट्टनम वाला जो वीडियो आया, पता नहीं यूट्यूब में क्या प्रॉब्लम हो गया। रुको रुको नहीं रो, मतलब पूरे वीडियो में ना कमेंट ऑफ हो गया। मैं बार बार ऑन करती रही फिर भी सारे वीडियो में ऑफ हो गया। तो प्लीज़ गाइस, अगर जो जो उस वीडियो को देखा है वो एक बार ना मेरे को फिर से कमेंट में बता देना कि आप लोगों को सारी वीडियोस कैसे लगी, विशाखापट्टनम का जगह कैसा लगा। क्यों रो रहा है बेटा? तो गाइस वही बुरा लगा कि मैं आप लोगों का कमेंट नहीं पढ़ पाई, क्योंकि जब भी मैं आप लोगों का कमेंट पढ़ती हूँ मुझे बहुत अच्छा लगता है। और हमारा घूमना फिरना आना जाना सब बहुत ही अच्छा रहा और बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया। बाबू बार बार क्यों अचानक रोता है कि बेटा आ जा, सो के उठा है गाइस अभी अभी इसीलिए। हाँ तो गाइस हमें ये लेके गए थे, तो कोई बहुत कोई नहीं, कुछ कुछ लोग पूछ रहे थे मेरे को कि दीदी खर्चा कितना हुआ। खर्चा ज़्यादा नहीं हुआ ऐसा कपड़ा पड़ता, बहुत कम खर्चे में, मतलब इसको पकड़ो तो बाबू को, हम लोग वहाँ पे घूम सकते हैं गाइस। और ज़्यादा दूर भी नहीं है, एक रात का सफर। अरे इसको पाओ ना, इसको पाओ बाबू को। तो अगर आप लोग भी कभी ऐसा प्लान बनाए विशाखापट्टनम का तो इजीली बना सकते हैं, क्योंकि ज़्यादा कम बजट में आप लोग अच्छे जगह में घूम के आ सकते हैं एकदम 10-15। हम लोग तो पूरी फैमिली एक दो जन जाएंगे, एक दो जन का ट्रिप होगा तो उसमें और कम खर्चा होगा। तो ज़रूर बनाएं, आप लोग भी जाएं घूम फिर के आएं और इन्जॉय करें, यही कहना चाहूँगी। तो आज का ब्लॉग यहीं एंड करती हूँ। और प्लीज़ आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को सारा वीडियो कैसा लगा। ये वाला ब्लॉग में एंड करती हूँ। मिलते हैं बहुत जल्द अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय गाइस। बाय बाबू, बाय।